सिरोही राजमार्ग रीको एरिया में शाश्वत आश्रम के पास खड़े टैंकर में लगी भीषण आग। इस घटना की जैसे ही जानकारी हमारे वेब के संपादक को मिली तो तुरंत प्रभाव से मौके पर पहुंचे और वहां की जानकारी ली। आइए देखते हैं कि हमारे संपादक मौके पर हैं और वहां पर आग लगने के कारण क्या है और इस घटना में कोई जानमाल के नुकसान तो नहीं हुआ और कौन कौन पहुंचे इस मौके पर। राहुल जी, आप मौके पर पहुंच गए हैं और वहां से क्या जानकारी है दर्शकों? नमस्कार, आप देख रहे हैं देवनगरी इंडिया न्यूज़। पिंडवाड़ा के रिको एरिया में लगी है आग, आप देख सकते हैं मेरे पीछे। जैसे ही मैं मौके पर पहुंचा तो यहां पिंडवाड़ा विधायक समाराम गरासिया, उपकरण अधिकारी हसमुख कुमार, पुलिस उप अधीक्षक जेटू सिंह करनोत, तहसीलदार माधाराम व पिंडवाड़ा थानाधिकारी चंपालाल में जाप्ता मौके पर पहुँच चुके हैं। यहाँ दमकल की गाड़ियाँ आग बुझाने में लगी हुई है। सबसे पहले पिंडवाड़ा नगर पालिका की छोटी दमकल गाड़ी पहुँच गई थी, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि वो दमकल पर्याप्त नहीं था, तो प्रशासन द्वारा नज़दीकी सीमेंट इकाइयों से बड़ी दमकल गाड़ियाँ मंगवाई, वो भी पानी खत्म हुआ तो दोबारा पानी भरने चली गई। सिरोही से दमकल गाड़ी पहुंची। इस घटना में जहां जानकारी मिली कि इस टैंकर में बायोडीजल भरा हुआ था और किसी अन्य वाहन में रिफिलिंग हो रही थी। हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्थानीय विधायक समाराम ग्रासिया, आइए इनसे जानते हैं इस घटना के बारे में विस्तृत जानकारी। या मुझे मेरे नारायण भाई प्रजापत है जन सूचना दी कि जल्दी चलो, अरुणा ट्रांसफॉर्मर आग लगी है। मैं उस समय स्वरूपगंज से बाहर था, लेकिन फिर भी तुरंत प्रभाव से दौड़ करके सब जगह फ़ोन किए, आया मौके पे, देखा तो यहाँ आग बुझाने वाले कोई भी साधन नहीं थे। मामूली सा एक नगर पालिका का था, इससे तो आग भी नहीं पहुंच पा रही थी। और फिर अपने सीआई साहब हैं, एसआरएच जो साहब है, मैंने कहा कि क्या अभी तक क्यों नहीं आई, जबकि जेके की तो आ चुकी थी, लेकिन अल्ट्राटेक की देरी से आई। और अभी हमारे मौके पे ही हमने जानकारी ली और अभी हमारे सामने दोनों बुझ ख़त्म भी हुआ पानी, लेकिन अभी तक आग बुझने का कोई प्रश्न नहीं है, वापिस भरने की। और सिरोही से भी आई है अभी अभी, और जिस प्रकार से यहाँ बड़ा अग्नि बुझाने का मशीन लाना चाहिए, और मैंने कलेक्टर साहब को भी बात किया है, इसका क्या एस्टिमेट आता है मुझे बात करें, आप पूरा जानकारी लेकर के। वास्तव में नगर पालिका इतना बड़ा होते कई बार अच्छे हुए हैं, लेकिन यहाँ आते आते सारा नुकसान होता है, आने से कोई मतलब नहीं है, फोन करने से कोई मतलब नहीं है, इसलिए यहाँ मौके पे ही अग्नि बुझने का मशीन या नगर पालिका में होना चाहिए तुरंत प्रभाव से। आग के अंदर कोई दुर्घटना घटी क्या, इसके बारे में आपने कोई मौके का मुआयना लिया? आग के अंदर घटना घटी है ना, एक आदमी के नीचे के पैर है वो जल चुके हैं और मेरे सामने उसको निकाला गया, किसी को मालूम नहीं था, फिर भी कहा कि कोई होगा और यहाँ के आज गए पीछे और निकाल करके लाए, नहीं तो वो अंदर ही जल करके मर जाता। जैसा कि आपने कहा कि अग्निशमन टैंकर की कोई व्यवस्था नहीं है, तो पिंडवाड़ा के आसपास आबू पिंडवाड़ा में फायर ब्रिगेड अपने कितने हैं और उसमें कितना पानी अवेलेबल रहता है? फायर ब्रिगेड तो इन कंपनियों के अंदर है, जेके अल्ट्राटेक है और सिरोही है, और यह नगर पालिका में तो छोटा है, ये बड़े है, लेकिन इसके लिए उपयुक्त नहीं है, इसके बड़े अपन लाने का प्रयास करेंगे। हमारे चैनल के संपादक ने मौके पर पुलिस उप अधीक्षक जेटू सिंह करनौत से भी पूरी घटना की जानकारी लेनी चाहिए। आइए जानते हैं पुलिस उप अधीक्षक क्या बात। पिंडवाड़ा में सर ये जो घटना हुई उसकी जानकारी सर आपको कब प्राप्त हुई और आप कितनी देर में सर मौके पर पहुंचे? मैं सिरोही कोर्ट गया हुआ था, मेरे पास सी साहब को फ़ोन आया तो कि आग लगी यहाँ पर, तो मैं तुरंत वहाँ से रवाना हुआ और सिरोही से जितना आने में टाइम लगता है उतना टाइम लगा मेरे को आने में। सर आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो ये टैंकर में आग लगी इसका कोई मुख्य कारण, और इसमें जो बताया जा रहा है कि जो पेट्रोल पदार्थ था तो वो कौन सा पदार्थ था और किस वजह से आग लगी? अब ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन लोग बता रहे हैं कि बायोडीजल था इसमें। धन्यवाद राहुल, आपने हमारे दर्शकों को पूरी जानकारी मौके पर जाकर बताई। देवनगरी इंडिया न्यूज़ से जुड़ने के लिए धन्यवाद।